देशर ग्रोथ इंजिन हेबो उत्तर प्रदेश। विगत 7 वर्ष रे बदलिछि उत्तर प्रदेशर छवि। बीमारु राज्यरु वर्तमान अभिवृद्धि आकाश छुआ। उत्तर प्रदेश रे प्रति व्यक्तिक आय द्विगुणा होइछि। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रो द्वितीय दिन रे उद्योगी को संबोधन करी एहा कहिछन्ति उत्तर प्रदेश रो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश रे निवेश पाई निवेशकों को आह्वान करी योगी कहिछन्ति थरे निवेश कले सेमानकु सुरक्षा सम्मान और सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार जगाई देव। 7 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश बीमारु राज्य थिला, किंतु एही 7 वर्ष मध्यरे उत्तर प्रदेश निजर छवि बदलाई पारिछि। वर्तमान उत्तर प्रदेश विकसित भारतर विकसित उत्तर प्रदेश। एठारे प्रत्येक व्यक्ति आय दुगुणा होगा संभव हो पारिछि। आईन श्रृंखला व्यवस्था सुदृढ़ होइछि। उत्तर प्रदेश में 2000 मसीहारु 2017 पर्यंत जेमिति एफडीआई आसीथिला 2019 2023 मध्यरे यार चारि गुणा निवेश प्रस्ताव आसी। आज दिन में उत्तर प्रदेश में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी कार्यरत थिबा कहिछन्ति योगी। उत्तर प्रदेश की एफटीआई से संबंधित जो अब तक की स्थिति थी, सन 2000 से लेकर के 2017 तक 17 वर्षों में जितना एफटीआई यूपी में आया था, 19 से 23 के बीच में मात्र 4 वर्ष में हम उसके 4 गुना एफटीआई यूपी के अंदर आया। जब सुरक्षा का माहौल होता है, सरकार की स्पष्ट नीति होती है, नियत साफ होती है, तो हर निवेशक उस सुरक्षित वातावरण में निवेश करने का इच्छुक होता है। आज ये वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। निवेशक तभी आता है जब उसको विश्वास हो नेतृत्व पर, विश्वास हो व्यवस्था पर, विश्वास हो भविष्य पर। और जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन बनकर तेज गति दे रही है, गरीब कल्याण को तेज गति दे रही है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, मैं समझता हूं अब उत्तर प्रदेश रुकने वाला नहीं है। एफडीआई कॉन्क्लेव रे विदेशी पूंजी निवेश अंतर्गत समस्त प्रमुख निवेशक शामिल होइतिले। लखनऊ सरोजिनी नगर अंचल रे अशोक लेलियान पक्षरु इलेक्ट्रिक प्लांट रो भूमि पूजन करा जायतिला। एठारे इलेक्ट्रिक गाड़ी प्लांट आरंभ हेले उत्तर प्रदेश रे व्यापक रोजगार सृष्टि हेबो। स्कूटर इंडिया रो 78 एकर जमी पर निर्माण होबाकु थिबा 186 कोटी रो प्लांट रु प्रतिवर्ष 2500 कमर्शियल इलेक्ट्रिक गाड़ी उत्पादन हेबो। अशोक लेलैंड ने अपने कार्य को प्रारंभ भी कर दिया है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश का मार्केट आपका इंतजार कर रहा है, कितनी जल्दी और कितनी तेजी के साथ आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अब यह इस ग्रुप पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार अपनी पॉलिसी के अंतर्गत हर इलेक्ट्रिक बस में 20 लाख रुपए तक की इंसेंटिव अपनी ओर से दे रही है। निवेशक सम्मेलन रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र रे व्यापक निवेश पाई आलोचना होइतला। यहार कार्यकारिता एवं भित्तिभूमि को नहीं समस्त दिगो पर चर्चा करथिले बड़ बड़ निवेशक संस्था। हमारे पास स्केल था, उस स्केल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्किल में बदलने के लिए हमारे इंस्टीट्यूशन ने एक अच्छा रोल अदा किया, लेकिन उस स्किल को स्पीड भी चाहिए और स्पीड के लिए हमें डिजिटाइजेशन को अपनाना ही होगा और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रे 10 लाख कोटी रो 14,000 रु अधिक प्रकल्प पाई प्रस्ताव मिलिछि। निवेश करथुवा प्रमुख कंपनी गुडी को मध्ये रे टोरंट पावर सोनभद्र रे 22,800 कोटी रो निवेश करिवो, जहाँ फल रे एठारे 4,800 लोकों को रोजगार मिलिवो। सेहिपरि ग्रीनको ग्रुप 17,181 कोटी, आइकिया ग्रुप 4,300 कोटी, लोधा ग्रुप 3,000 कोटी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 8,000 कोटी, टाटा टेक्नोलॉजी 4,200 कोटी, सेंचुरी ग्रुप 4,000 कोटी,
एवं डालमिया सीमेंट 3000 कोटी निवेश करने को प्रस्ताव देते। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। मोबाइल फोन और संगसाथी आपण को पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुचि कि आपण सेतिपई विद्रुत कि तेबे आज ही आसंतु आपण चाहूतिबा मन लगी संपूर्ण आवासिक स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।